नमस्कार, मैं हूं आपका अमित कमल और आप देख रहे हैं विजय केसरी न्यूज़ चैनल। इस समय हम मौजूद हैं यमनिका पार्क सेक्टर 5 पंचकुला में और यहां पर आज पूरे देश के अंदर जो है शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। शहीदों को नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में पंचकुला के अंदर 5 सेक्टर यमनिका पार्क में जो है रेडी फड़ी कर्मचारी जो है जिला यहाँ पर जो सभी कर्मचारी संघ के हैं वही एक साथ मिलकर यहाँ पर शहीदों को नमन कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर जो जिला प्रधान है रेडी फड़ी के वो राम पटेल जी, वह भी हमारे साथ उपस्थित हैं। बाकी कर्मचारी हम मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार तस्वीरों को दिखाएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कर्मचारी यहाँ पर शहीदों को याद करते हुए एक साथ इकट्ठे हुए हैं। सर पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे आप? शहीदों को आज नमन किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ विचार रखें। आज हम संयुक्त मोर्चा, किसान आंदोलन के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज हम पंचकुला के रेड़ी फड़ी के साथी, सीआईटी के साथी मिल करके, सर्व कर्मचारी संघ के साथी मिल करके शहीद भगत सिंह जी के शहीदी दिवस को सम्मान पूर्वक याद करते हुए और पंचकुला में जो रेड़ी पटरी के साथियों के साथ है अन्याय हो रहा है उस पर भी चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और हमें संयुक्त मोर्चा, किसान आंदोलन संयुक्त मोर्चा को जो है अपना पूरा समर्थन देते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जहां भी जैसी जरूरत पड़ेगी हम किसानों के साथ, हमारा यूनियन हमेशा साथ खड़ा रहेगा। तो अभी आपके रेड़ी फड़ी के जो काफी मसले जो हैं अभी लगातार हम देखते आ रहे हैं, उनको लेके भी अभी प्रशासन से आपकी कितनी ज्यादा अभी बातचीत हुई है, उसके बारे में कुछ बताइए जी। प्रशासन से हम तमाम समस्याओं को लेकर कई बार अवगत करा चुके हैं लिखित में, लेकिन प्रशासन हमारी किसी भी समस्या का समाधान करने के बजाय हमारे ऊपर उल्टे नए नए कानून थोप रहे हैं। जैसे कि सर्वे जब कराया गया था उसमें तमाम अपने चहेतों को नगर निगम प्रशासन की मिली भगत से सर्वे में नाम डाला गया है। दोबारा फिर उन्होंने गोपनीय तरीके से सर्वे कराया, उसमें जो 20-20 साल से रेड़ी पटरी के साथ ही काम कर रहे हैं उनका नाम काट दिया गया है। हम अपना आधार कार्ड देकर सर्वे कराया था, उस आधार कार्ड के हिसाब से हमारा एड्रेस और तमाम नाम गलत डाले हुए हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही डरा में अभी जो हुआ है ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने कभी रेड़ियां लगाई ही नहीं। और उन आप प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं या आपके पास मतलब किसी तरह का कोई प्रूफ है ऐसा? बगैर प्रूफ के कोई बात हम करते नहीं। पहली बात तो यह है, जब हमारे पास पक्के दस्तावेज सबूत होते हैं तभी हम बात करते हैं, इसका हम पूरा प्रमाण देंगे। अभी एक सेक्टर में जो डेरा निकला है उन्होंने कभी अब तक रेड़ी लगाई नहीं और एक परिवार से 5-5 लोगों का डेरा नाम आया है। ये प्रशासन की, राजनीतिक लोगों की मिली भगत से हो रहा है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और भर्सना करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे जितने भी बिना बगैर जो वेंडर नहीं है उनके नाम उसमें डाले हुए हैं, टाउन बनी कमेटी को बहाल करके उनके साथियों को साथ में ले करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें बाहर किया जाए, ताकि जो वास्तव में लोग यहाँ रेड़ी पटरी पर काम कर रहे हैं उनका हक मिले। साथ ही यहाँ का पंचकुला प्रशासन एक और अतिरिक्त नियम लगा रखा है कि पंचकुला का आधार कार्ड होना चाहिए, बाहर वालों को नहीं लेंगे। हम लोग भारतीय हैं, भारत के वासी हैं, हमें कहीं भी अपना रोजगार करने का अधिकार है। जब हमने पहला कोर्ट में केस डाला था स्टे हेतु, उस समय जो जज महोदय बैठे थे वहां भी ये टिप्पणी की गई थी सरकारी वकील के माध्यम से कि ये हरियाणा से पंचकुला के बाहर के हैं, यूपी बिहार से आए हुए हैं। उन जज महोदय ने फटकार लगाते हुए वकील को कहा था कि ही जे इंडियन, ये भारतीय है, इनको कहीं भी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ये आधार कार्ड यहाँ का वहाँ का ये हटाया जाए और वरीयता के आधार पर लोगों को जगह उपलब्ध कराई जाए, रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जब तक लोगों को जगह नहीं उपलब्ध कराई तब तक किसी को उठाया ना जाए, बिना वजह तंग न किया जाए। वैसे भी हम आज 1.5-2 साल से जो है मार झेल रहे हैं, 1 साल से तो पक्का कोरोना की मार झेल रहे हैं। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि ये अपनी गलत नीतियां वापिस लें, अन्यथा हम आंदोलन पर मजबूर होंगे। एक और नई शिकायत आई है, अभी हमारे एक साथी ने बताया कि जो लियो मीडिया कंपनी को नगर निगम प्रशासन ने अपनी मर्जी से रखा हुआ है,
जबकि एक्ट कहता है कि टीबीसी की सहमत से ही कोई काम किया जाएंगे, लेकिन यहाँ का नगर निगम प्रशासन अपनी मर्जी से जो है लियो मीडिया कंपनी को जो है इसमें एंट्री करा दिया है। वो लोग स्ट्रक्चर के नाम पर जो है रसीदे काट रहे हैं, पर्चियां काट रहे हैं, और पर्चियां लेने का तरीका, पैसा लेने का उनका तरीका कैसा है? अभी एक साथी ने बताया, कभी बाथरूम में ले जाकर पैसे की गिनती कराते हैं, कभी किचन में ले जाकर पैसे की गिनती करके जेब में डाल लेते हैं, अपने काउंटर में पैसे क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? हम मांग करते हैं कि यह हेरा फेरी प्रशासन बंद करे, अंत इसकी शिकायत हम जो है कोर्ट में भी करेंगे और फील्ड में भी लड़ाई लड़ेंगे। एक कुछ पर्ची का भी मामला है कि नगर निगम से, जैसे एक बॉक्स का भी है मामला, जो बॉक्स सिगरेट वेस्ट जो लगाए गए हैं उसके अंदर भी मतलब 400-450 रुपए मतलब वसूल किए गए हैं जी। सर, नगर निगम प्रशासन द्वारा पहले एक सिगरेट का जला हुआ फ्री में रखे गए हैं, उसके बाद उनसे पैसे लिए गए, जला हुआ फिल्टर डाले फ्री में बांटे गए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है नगर निगम की पर्ची लेकर के कुछ लोग काट रहे थे, उस डब्बे के एवज में 450 रुपए जमा करा रहे थे। उसकी रसीद और डब्बे की फोटो भी माननीय कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को, ईओ साहब को उपलब्ध करा चुका हूँ। अब मांग किया था, लिखित में दिया था कि इस पर कार्रवाई किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। उस समय जनरल सिंह ईओ थे, उन्होंने कहा था इनको किसने अप्रूवल दिया है, ये कैसे काट रहे हैं, मैं इन पर कार्रवाई करूंगा। अब कोई कार्रवाई किया या नहीं किया ये नहीं बता सकता मैं। कितनी बार दे चुके पैसे? लगभग जो मेरे संज्ञान में आए हैं जो 25-30 लोग तो दे ही चुके हैं कम से कम, क्योंकि 2-4 लोगों की मेरे पास रसीदें भी आ चुकी हैं। आप रसीद दिखा सकते हो? हाँ, रसीद है, हाँ, मैं तो उसको अमित जी को दे रखा हूँ, इनके पास है। तो इस भय दिखा करके जबरन लूट मचा रखा है यहाँ का प्रशासन, ठेकेदार के साथ मिलीभगत कर करके कमीशन खाने के चक्कर में। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ये हरकत बंद कर दे, हम किसी भी कीमत पर ये स्ट्रक्चर नहीं लेंगे, और प्रशासन को जितना मर्जी जोर लगाना हो लगा ले, हम अपने साथियों का किसी भी हालत में शोषण नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे साथ थे जिला प्रधान यहाँ पर रेडी फड़ी के राम पटेल जी, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, और क्योंकि रेडी फड़ी का मामला जो है काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, और इसके अंदर इनका भी बार बार यही कहना है कि जो प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से रेडी फड़ी को लेकर जो है वेंडर जोन बनाए जा रहे हैं, उसमें भी जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जो ड्रॉ निकाले गए थे, उसके अंदर काफ़ी धांधली की गई है। वे कह रहे हैं कि हमारे पास हर तरह के प्रूफ हैं, एविडेंस हैं, कि पर निगम जो है, निगम के जो कमिश्नर हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह मिलने के लिए तैयार नहीं है। काफ़ी चक्कर जो है नगर निगम के लगा चुके हैं, पर प्रशासन की तरफ से जो है बातचीत करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी कोई कर्मचारी हैं, काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो हमने बताया, और मैं कहूँगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शहीदों के मेन यहाँ पर, शहीदों को नमन करने के लिए एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और उसको लेकर यहाँ पर इन्होंने प्रशासन से भी कहा है कि आप जितने भी उनकी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द जो है उनको प्रॉब्लम को उनकी सॉल्व करें, क्योंकि कोरोना की जो मार है वह भी लगातार जनता को मार रही है। मैं अमित कमल, सेक्टर 5, यमुनिका पार्क से लाइव। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी। धन्यवाद।